जिस एजेंसी पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है, जिस एजेंसी के कंधों पर भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का जिम्मा है, आज वही एजेंसी रिश्वत लेने देने के आरोपों से दोचार हो रही है। जिन पर जांच का जिम्मा है, उन्हीं अफसरों ने एक दूसरे पर कीचड़ उछाले और दाग दाग किए। राकेश अस्थाना के नेतृत्व वाली एसआई टीम का हिस्सा रहे डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार की गिरफ्तारी, फिर हाईकोर्ट की लताड़ और फिर केंद्र सरकार के दखल के बाद से ही धुंधली तस्वीरें साफ होने लगी थी। लेकिन सब कुछ इतना अचानक होगा, इसका अंदेशा नहीं था। सुबह हुई, सूरज निकलते ही सीबीआई मुख्यालय से ताबड़तोड़ फैसले आने लगे। सीबीआई डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर पर फैसला लिया जा चुका था। करीब दर्जन भर दूसरे अधिकारी भी छुट्टी और तबादले की चपेट में आ गए। सीबीआई अपने ही मुख्यालय में तलाश तेज कर चुकी थी। इन आरोपों की जांच ना तो ये दो अधिकारी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पे स्वयं आरोप है, और न ही इनकी सुपरविजन में कोई एजेंसी कर सकती है। इसलिए जब तक इसकी जांच होगी, दे विल सिट आउट बाय गोइंग ऑन लीव फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इट्स एन इंटरिम मेजर। सीबीआई के इतिहास में ऐसे ताबड़तोड़ फैसलों की नींव एक दिन पहले ही रखी जा चुकी थी। सीवीसी ने मंगलवार को अहम बैठक की, वहीं आज के फैसले पर मुहर लग गई। लेकिन असल तस्वीर सामने आई आधी रात को। देर रात जिस सीबीआई मुख्यालय पर उसकी निगरानी करते चंद जवानों के अलावा कोई नहीं दिखता, वहां रात के करीब 1 बजे हलचल तेज हो गई। दिल्ली पुलिस की एक टीम सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंची। चंद मिनट के अंदर पूरे मुख्यालय की घेराबंदी कर दी गई। पुलिस वाले मुस्तैद हो गए। अभी 15 मिनट ही बीते होंगे, यानी रात करीब 1:15 बजे सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर नागेश्वर राव अपने मुख्यालय पहुंचते हैं। उनके साथ जांच एजेंसी के कई अन्य अफसर भी होते हैं। 11वें तल पर चंद मिनटों की पड़ताल चलती रहती है। नागेश्वर राव के साथ मौजूद अधिकारी उनसे बातें करते हैं, उन्हें अपडेट देते हैं, और अगले ही पल नागेश्वर राव 10वें और 11वें फ्लोर को सील करने का आदेश जारी कर देते हैं। 10वें फ्लोर को सील कर अधिकारी सभी चाबियां नागेश्वर राव को सौंप देते हैं। आधी रात के इस एक्शन के साथ ही नागेश्वर राव ने उस टीम में भी बदलाव करने का फैसला किया जो राकेश अस्थाना केस की जांच कर रही थी। रातों रात सीबीआई के अंदर जो ड्रामा हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। पहले दो शीर्ष अधिकारी आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजा जाता है और एक नए अधिकारी को डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन क्या ये झगड़ा, क्या जो सीबीआई की थू-थू हो रही थी वो बंद हो जाएगी, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार कर लिया और कहीं ना कहीं ये झगड़ा आपस में बढ़ता ही नजर आ रहा है। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।